हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। तो हरियाणा में कई रूटों पर बसें रोडवेज की चालू कर दी गई हैं। सोनीपत के हालात भी हम आपको बता रहे हैं। सोनीपत में 3 रूटों पर हरियाणा रोडवेज की बस चलाने की इजाजत दे दी गई है। जहां एक तरफ हरियाणा रोडवेज की बसों को यात्रियों का इंतजार करना पड़ रहा है, वहीं बस स्टैंड पर पहुंचे यात्रियों को बस चलने का इंतजार है, क्योंकि नियम के अनुसार किसी भी रूट पर बस चलाने के लिए 20 सवारियों का होना जरूरी है, लेकिन 20 सवारियां पूरी नहीं हो पा रही हैं, जिसके कारण यात्रियों को वापस भेज दिया जा रहा है। किसी भी रूट पर बस नहीं चल पा रही है। यूपी से आया जी, रोहतक जाएंगे। अच्छा, बस स्टैंड पर कितनी देर से पहुंचे? 15 मिनट से। ये क्या कह रहे हैं बस स्टैंड पे? बस स्टैंड पे कह रहे हैं कि अगर 20 सवारी होगी तो जाएंगे, नहीं तो अपने घर जाएंगे वापस। क्या करेंगे? ये बोल रहे हैं कि 20 सवारी कम से कम हो जाएंगे, उसके बाद जाएंगे। उससे पहले बस नहीं चलेगी? उससे पहले नहीं चलेगी। यहाँ चाहे पूरा दिन बैठो या कितनी देर बैठो, सवारी चाहिए हमें। सरकार के आदेश हुए, जीएम साहब ने आदेश दिए, भाई 3 रूट चलाओ, सोनीपत से रोहतक, सोनीपत से घुमाना, सोनीपत से पानीपत। टाइमिंग रखे गए, सोनीपत से पानीपत का 8 बजे पहली बस का, दूसरी का 9 बजे, सोनीपत से रोहतक 7 बजे, दूसरी 8 बजे, और सोनीपत से घुमाना 8 बजे, दूसरी 9 बजे। लेकिन सवारी यात्री 4 पानीपत के आए हैं, 2 घुमाने के आए हैं, रोहतक का कोई नहीं आया। यात्री पूछ के वापस चले जाते हैं। 4 या 2-3 ऐसे यात्री आ रहे हैं। लिमिट रखी गई है? लिमिट वही है, 20 सवारी हो, कम से कम 20 सवारी हो तो भेज देंगे बस को।